हेलो गाइस, मैं पायल। वेलकम टू डीएनडी न्यूज। हर एक दिन की नई खबरें पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। दोस्तों, फिल्म एक्टर संजय दत्त इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 का जमकर प्रचार कर रहे हैं। हाल ही में एक प्रोमोशनल इवेंट में उन्होंने रणबीर कपूर और आलिया भट्ट को लेकर खुलकर बात की। एक इंटरव्यू के दौरान जब संजय से पूछा गया कि अन्य अभिनेता की तरह वह भी पर्दे पर युवा अभिनेत्रियों संग रोमांस क्यों नहीं करते, इस पर उन्होंने कहा, अरे अब मैं थोड़ी आलिया भट्ट के साथ रोमांस करूंगा, उम्र के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ता है। उन्होंने कहा कि बढ़ती उम्र की वजह से वह आलिया के साथ रोमांस नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि वह आलिया और रणबीर कपूर जैसे युवा पीढ़ी के अभिनेताओं की प्रशंसा करते हैं। उन्होंने कहा वे बहुत मेहनती और फोकस्ड हैं, उन्हें देखकर और उनके साथ काम करना अच्छा लगता है। संजय और आलिया कलंक और सड़क 2 में नजर आ चुके हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान आलिया भट्ट ने बताया था कि संजय ने उन्हें चाचू बुलाने के लिए कहा करते थे। इस साल की शुरुआत में सिद्धार्थ कनन के साथ एक इंटरव्यू में आलिया ने कहा था कि संजय उन्हें एक बच्चे की तरह मानते हैं। आलिया ने कहा, संजू और लोगों से काफ़ी अलग है, वे हमेशा मेरे पिता के साथ अपने रिश्ते कारण मुझे एक बच्चे की तरह मानते हैं। वे हमेशा कहते हैं कि मुझे चाचू बुलाओ। गौरतलब है कि संजय केजीएफ चैप्टर 2 में अधूरा की भूमिका निभाते नजर आएंगे। फिल्म में अभिनेता यश मुख्य भूमिका में है। इसके अलावा फिल्म में रवीना टंडन, श्रीनिधि शेट्टी और प्रकाश राज भी हैं। 14 अप्रैल 2022 को यह फिल्म कन्नड़, तेलुगु, हिंदी, तमिल और मलयालम में रिलीज होने वाली है।